हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं शेफाली और बहुत दिन से हमारा कोई ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि घर में शादी थी, फिर हमारी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी तो हम कहीं बाहर भी नहीं जा पाए जो हम कुछ कवर कर सके। न्यू ईयर का हमने थोड़ा बहुत कवर किया था वो हमने डाल दिया। बाकी ठंड बहुत है, कम होगी तो कहीं जाया जाएगा, अभी तो घर पर ही है। बाकी मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी क्योंकि सर्दी बहुत है और ऑफिस जाना होता है तो जैकेट्स और कोट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि जब मंगाई है तो आपको भी बताई देती हूँ कि कैसी है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं भी कोई चीज़ मंगाती हूँ तो मैं उसको सर्च करती हूँ कि कैसी है, मैं लूँगी तो उसका स्टफ़ कैसा होगा, मटीरियल कैसा होगा, तो वो सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो रिव्यू डाल देना चाहिए, इससे ना थोड़ा सामने वाले को हेल्प मिल जाती है। तो मैंने एक कोट मंगाया है और दो जैकेट्स मंगाई हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी तो इसलिए चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहली जो मैंने एक जैकेट मंगाई है वो है रोडस्टर की ब्लू जैकेट, इसका आपने शॉर्ट्स भी देखा होगा, तो ये मैंने मंगाई है ब्लू जैकेट। और मैं डार्क कलर इसलिए मैंने मंगाया है क्योंकि जब आप डेली पहनते हो ना तो आप जैसे अगर काम कर रहे होंगे तो आपकी ये चीज़ जो स्लीव्स होती है बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, तो डार्क कलर ऐसा है कि आप एक हफ्ता पहनो और फिर। तो पहली जो मैंने एक जैकेट मंगाई है वो है रोडस्टर की ब्लू जैकेट, इसका आपने शॉर्ट्स भी देखा होगा, तो ये मैंने मंगाई है ब्लू जैकेट। और मैं डार्क कलर इसलिए मैंने मंगाया है क्योंकि जब आप डेली पहनते हो ना तो आप जैसे अगर काम कर रहे होते तो आपकी ये चीज़ जो स्लीव्स होती है बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, तो डार्क कलर ऐसा है कि आप एक हफ्ता पहनो और फिर धो, क्योंकि लाइट कलर के साथ बहुत दिक्कत है, अगर ज़रा से भी गंदे हाथ लग गए तो बहुत जल्दी गंदा होता है, इसलिए मैं डार्क डेली वेयर में डार्क प्रेफर करती हूँ। तो इसलिए मैंने ये ब्लू जैकेट मंगाई है, बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है और मतलब मुझे अच्छी लगी पर्सनली। इसमें जो थोड़ा डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो यह है पूरा इसका ओवरऑल लुक, और साइड में इसमें यहाँ पे ऐसे क्रिस क्रॉस डिज़ाइन दिया हुआ है, आप इन्हें नॉट बांध सकते हो, और बाकी ये डिज़ाइन ही है, ऐसा नहीं है कि आप इसे टाइट कर सकते हो यूज़ कर सकते हो, नहीं है, सिर्फ एक डिज़ाइन दे रखा है। और बाकी अगर मैं स्लीव्स की बात करूँ तो स्लीव्स नॉर्मल हैं, जैसे किसी किसी ने यहाँ पे थोड़ा सा वो दे देते हैं कपड़ा दे देते हैं, वो चीज़ नहीं है, पूरी वैक्सीन की जैकेट है और अच्छी है, मतलब सर्दी में अगर ज़्यादा हवा चलती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये, क्योंकि जैसे अभी ठंड कोहरे वाली तो नहीं है लेकिन हवा बहुत है तो उसमें ये जैकेट बहुत अच्छी रहती है। और अगर मैं नेक की बात करूँ तो नेक में इसमें ऊपर दो बटन दे रखे हैं, यहाँ पर आप इसे नेक लॉक कर सकते हैं, नेक बंद हो जाएगा इसका, तो ये है इसका पूरा लुक। पॉकेट्स का मुझे इसका नहीं पता है, हाँ वाओ, अंदर मुझे बहुत दिक्कत होती है क्योंकि बाहर थोड़ा सा डर रहता है कि फ़ोन आपका गिर ना जाए, तो इसमें बहुत अच्छा है कि अंदर एक पॉकेट दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड पे, और बाहर दो नॉर्मल पॉकेट जैसे जैकेट्स में दी हुई होती है, ये है एक पॉकेट इधर है। तो ओवरऑल मुझे ये जैकेट बहुत अच्छी लगी, अगर मैं आपको इसे पहन के दिखाऊँ तो ये आएगा इसका, आएगा इसका पूरा लुक। मैं हमेशा जैकेट थोड़ी बड़ी लेती हूँ क्योंकि मुझे ठंड बहुत लगती है, तो मैं जैकेट के अंदर भी एक दो कपड़े पहनती हूँ मोटे मोटे, तो इसलिए मैं जैकेट हमेशा एक साइज बड़ी लेती हूँ। लेकिन हाँ, कुछ जैकेट्स हैं जो मैं अपनी साइज पे लेती हूँ, जैसे कोई पार्टी वार्टी में जाना हो तो आप उसके नीचे ज्यादा गर्म कपड़े नहीं पहन सकते हो, तो वो मैं अपने परफेक्ट साइज पे लेती हूँ। लेकिन ये वाला मैं डेली वेयर वाले जो भी होते हैं मैं लार्ज साइज देती हूँ, जिससे कि आप नीचे ज़्यादा ठंड होने पे आप कपड़े भी पहन सकते हो। तो दूसरी जैकेट जो मैंने मंगाई है वो है फोर्ड कॉलिंस की, इसकी जैकेट भी बहुत अच्छी आती है, आई थिंक मैंने इसकी पहले भी एक जैकेट मंगाई है जो अच्छी थी, इसलिए मैंने दोबारा ऑर्डर किया है इसको, ये दोबारा ऑर्डर की हुई है। ये मैंने मंगाई है पिंक कलर में क्योंकि एक मेरे पास ब्लैक है, एक ब्लू हो गई, अब थोड़े अलग कलर भी चलते हैं। तो ये है पिंक कलर की जैकेट और ये भी थोड़ी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मोटी है, तो ज़्यादा ठंड में ये भी पूरा बढ़िया काम करेगी। और इसके साथ यहाँ पे कैप अटैच हो जाती है, डिटैचेबल कैप है, तो ये है इसकी कैप, पिंकी पिंकी कैप,
इसके फर भी है यहाँ पे। तो कैप यहाँ डिटैचेबल है, मैंने हटा रखी है अभी। ये है पूरी जैकेट। यहाँ पे दो पॉकेट्स दे रखी हैं जिसपे हल्की सी ब्लैक कलर की पाइप एंड टाइप दे रखी है। और अगर मैं इसे खोल के दिखाऊँ थोड़ा सा वॉर्म मतलब स्लीव्स पे कपड़ा दे रखा है यहाँ पे, जैसे उसमें नहीं था इसमें है, तो ये भी अच्छा है। यहाँ अच्छी सी एक वो बन जाता है, मतलब बंद हो जाती है वो। तो ये है पूरा जैकेट। ओवरऑल मटेरियल इसका काफ़ी अच्छा है और अंदर भी बहुत सॉफ्ट है ये। मेरा पूरा जैकेट, अगर मैं इसको पहन के दिखाऊं कि इसका लुक कैसे आएगा, तो इसका लुक ऐसे आएगा। तो ये इसका लुक आएगा पूरा। दो पॉकेट्स हैं यहाँ पे, एक पॉकेट आपको अंदर दे रखी है। कैप डिटैचेबल है, मैंने कैप अभी नहीं लगाई हुई है। यहाँ पे आप कैप अटैच भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तीसरी चीज़ जो मैंने मंगाई है वो है ओवरकोट। ये तो हम जीन्स पे पहन सकते हैं, साड़ी पे भी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज़्यादातर साड़ी पे जैकेट से लेती हूँ क्योंकि मुझे ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो कार्डिगन या ओवरकोट में मेरी ठंड जाती नहीं है। लेकिन फिर भी इस बार मैंने पहली बार ओवरकोट मंगाया साड़ी के ऊपर ट्राई करने के लिए। तो ये है वो ओवरकोट, लेकिन मुझे बहुत प्यारा लगा, मुझे कलर बहुत पसंद है। और अगर मैं ब्रांड की बात करूँ तो आई डोंट नो ये ब्रांड है या नहीं है। ये है ऑल अबाउट यू, दिस इज फ्रॉम ऑल अबाउट यू। और ये है पूरा ओवरकोट, इसका भी मैंने एक शॉर्ट्स डाला हुआ है, पता चल जाएगा आपको। इसमें यहाँ पे जो है ये बटन्स है, मतलब एक लेयर ये वाली बटन की है जो शो के लिए है, और एक लेयर ये बटन की है जो यहाँ पे ये बंद होता है। तो ये है यहाँ पे, इसमें दो पॉकेट्स दे रखी हैं। अगर इसके भी साइज़ की बात करूँ तो नीज तक का इसका साइज आता है। यहाँ पे कॉलर और पॉकेट ब्लैक दे रखी है, और ओवरऑल ये पूरा मरून कलर है। इसका फिटिंग बहुत ही प्यारी है, जैसे मैंने शॉर्ट्स में आपने देखा होगा, बहुत ही प्यारी फिटिंग है इसकी। आप इसे एज अ ड्रेस भी वेयर कर सकते हो, मतलब लॉन्ग ड्रेस भी इसे वेयर कर सकते हो, और ये साड़ी पर भी वेयर कर सकते हो, जीन्स पर भी वेयर कर सकते हो। ये ऑलराउंडर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और बस मतलब इसमें आई थिंक अंदर वाओ, आपको पता चल गया होगा मैं क्यों खुश हूँ। वन सेकेंड मैं चेक कर लेती हूँ अगर। या इसमें भी यस, इसमें भी यहाँ पे एक पॉकेट है, और मैं बहुत खुश हूँ इसमें भी एक पॉकेट दे रखी है। मतलब मेरे पास इतना सामान नहीं रहता जैसे लड़की के पास रहती है, लिपस्टिक के वो मेरे पास वो सामान नहीं रहता। मुझे अपने फ़ोन की सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है, क्योंकि फ़ोन मैं बिल्कुल संभाल के नहीं रखती, वो कहीं भी पड़ा रहता है। इसलिए अगर आप बाहर पॉकेट में फ़ोन रखते हो ना, तो थोड़ा सा डाउट रहता है कि निकल के ना गिर जाए, लेकिन अंदर वाली पॉकेट में ना फ़ोन बहुत सेफ रहता है। तो ये है इसका पूरा ओवरऑल लुक, और बहुत ही प्यारा है। अगर मैं इसे पहन के दिखाऊँ आपको, वैसे आपने शॉर्ट्स में देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो आप जाके देख लीजिए। अभी मैं ऐसे आपको पहन के दिखा देती हूँ कि कैसा लगता है। इसका लुक, ऐसा आएगा। इसे आप ओपन करके भी पहन सकते हैं, मतलब ऐसे ओपन करके भी पहन सकते हैं, और इसे आप ऐसे पूरा लुक आएगा ऐसे बंद करके, आप बंद करके पहन सकते हैं, और ये पूरा बंद हो जाता है। मतलब ये इसका लास्ट बटन है, यहाँ तक बंद हो जाएगा, और आप इसे अच्छे से एक मतलब विंटर ड्रेस की तरह भी इसको वेयर कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये, और कितना प्यारा है, कलर बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब माइंड ब्लोइंग। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने मंगाई थी। बाकी मैं बता दूँ आपको,
मुझे जनरली साइज मीडियम टू लार्ज आता है, लेकिन ये कोट स्मॉल में है, तो जो भी आपको साइज आता हो तो एक बार आप मिंत्रा पे, मैं लिंक डाल दूंगी, लिंक में सारे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन आप प्लीज़ साइज चार्ट देख के ही ऑर्डर करना, क्योंकि पहले जो मैंने साइज ऑर्डर किया था वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ऑर्डर किया था, लेकिन वो साइज़ मुझे बहुत बड़ा आ रहा था। बाकी मुझे स्मॉल साइज आया, मतलब लार्ज, मतलब ऐसे मुझे मीडियम आता है, लेकिन मैं मीडियम से भी नीचे गई हूँ इसके लिए, तो स्मॉल साइज मुझे आया है। तो आप जब भी ऑर्डर करो आप प्लीज़ अपना साइज देख के ऑर्डर करना, अदरवाइज कोई टेंशन तो है नहीं, ऑनलाइन में आप अपना रिटर्न कर सकते हो। बस एक ये डाउट रहता है कि आपने पहला मीडियम ऑर्डर कर दिया, फिर आपको वो चीज़ अच्छी तो लग रही है लेकिन उसका साइज़ नहीं मिला, तो प्लीज़ देख के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग भी ऑर्डर करना। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहें, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो हम रेगुलर नहीं रह पाते हैं। तो आप किसी चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि हम किसी चीज़ का रिव्यू करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमने इतने कम टाइम में इतने सारे मतलब सब्सक्राइबर्स मतलब फैमिली बना रहे हैं हम, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमें प्यार दे रहे हैं और अपना ही ऐसे ही प्यार हमें देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।